अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई के तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन एक शाम परिवार के नाम का आयोजन किया गया। परंपरा एक अटूट सिलसिला नामक इस विशेष प्रोग्राम में पंडित विजय शंकर मेहता ने अपने श्रीमुख से वाचन किया। यह बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम एक शाम परिवार के नाम कला मंदिर सिविक सेंटर में किया गया। परंपरा एक अटूट सिलसिला नामक इस विशेष प्रोग्राम में पंडित विजय शंकर मेहता जी ने अपने श्रीमुख से वाचन किया। यहां बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। बता दें, अग्रवाल यूथ क्लब के द्वारा इस दूसरे वर्ष के आयोजन में प्रवचनकर्ता विजय शंकर जी मेहता जीवन का बेहतर सार उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही जीवन में परिवार की महत्ता भी उन्होंने बयां की। जिनके आशीर्वाद से भी अग्रवाल यूथ क्लब का गठन संभव हुआ है। और अंत में स्वागत है आप सभी गणमान्य श्रोताओं का, जिनके जीवन में थोड़ी से लेकिन महाराज जी के व्याख्यान के बाद मधुरता का प्रवेश पक्का होने जा रहा है। परंपरा 2.0 भिलाई द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसका विषय था परिवार प्रबंधन। हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बचना चाहिए। तो मैं अग्रवाल यूथ क्लब के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करूंगा। और मैंने जो बात बोली है कि तो कैसे माता पिता संतान का संबंध हो, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, इसका मतलब ये है कि हम समझें, आपसी प्रेम और सहयोग से रहें। आज ये उद्देश्य पूरा हुआ, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, हो सकते हैं। इसलिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और अगर घर में ही सारी तालीम अच्छी मिल जाए तो फिर आदमी बाहर नहीं बढ़ेगा। पंडित विजय शंकर मेहता जी का देखिए परिचय के मोहताज तो है नहीं, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। ये कार्यक्रम हमने जो आज टॉपिक लिया है एक शाम परिवार के नाम, इस प्रोग्राम में हम जो परिवार बिछड़ रहे हैं, जो हमारा अग्रवाल यूथ क्लब का भी मोटो है कि जो आज परिवार एक दूसरे से न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, जुड़ के नहीं रहना चाहते, उनको एक करने की कोशिश पे है, उसी पे एक उनका एक प्रवचन उनका एक देखिए बिछड़ने के बहुत सारे कारण है, व्यवसाय है, लोगों की नेसेसिटीज़ है आज के डेट पे। बट चाहे घर अलग अलग हो जाएं, हमारा मानना है प्यार बना रहे, भाइयों में प्यार बना रहे, भाई बहनों में प्यार बना रहे, सब चीज़ें एक साथ चले, परिवार भाई बाप बेटों में प्यार बना रहे, यही हमारा विश्वास। देखिए इसका मैं बहुत ज़्यादा मूल रूप से इसको कारण नहीं मानता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नशा करता हो वो परिवार में आके घर में झगड़ा करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो नशा नहीं करता वो झगड़ा नहीं करेगा। ये आदमी के व्यक्तिगत के ऊपर रिपोर्ट करता है। और ना मैं इसको किसी भी कारण से किसी भी व्यापार का या किसी का भी इसको दोष देना चाहूँगा कि इसमें टेंशन ज़्यादा है तो घर आके झगड़ा कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये व्यक्तिगत के ऊपर। जी आपने बहुत सही बोला, यही एक चीज़ है जो संस्कार है घर के, आज जो हम भी अपने बच्चों को देना चाहेंगे, संस्कार बहुत मैटर करता है। एक संस्कार जो देता है परिवार को लेके चलता है, वही संस्कार हम आगे भी बच्चों को देना चाहेंगे। और इसीलिए आज पंडित जी को बुलाया गया है, क्योंकि प्रवचन से आज सब लोग मिलकर जुल के चले आगे। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।